हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन फॉर ऑल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग मोबाइल्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। नवंबर और दिसंबर में जो मोबाइल्स लॉन्च होने वाले हैं आज की इस वीडियो में, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, ताकि ऐसी मालूमात की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ, जो हमने गिव अवे का वीडियो बना रखा है आप यहाँ पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक चैनल का देखो, हम लाइव स्ट्रीमिंग में एक मोबाइल गिव अवे करने वाले हैं और एक ही क्वेश्चन रहेगा, विनिंग क्वेश्चन। तो सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर और दिसंबर या हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा फॉर्म में दो कंपनी रहने वाली है, Xiaomi और Realme, यानी Redmi और Realme, क्योंकि दोनों ही कंपनी के जो सबसे ज्यादा सीरीज चलती है वो दोनों सीरीज लॉन्च होने आ रही है। जैसा कि Redmi की 12 Note 12 सीरीज लॉन्च हो रही है और Realme की नंबर सीरीज जो लॉन्च हो रही है Realme 10 सीरीज। तो ये दोनों सीरीज बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने जा रहे हैं। Redmi 12 Note 12 सीरीज ऑलरेडी ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है इंडिया में इस महीने के एंड में, या हो सकता है दिसंबर के स्टार्ट में आपको Redmi Note 12 सीरीज देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वहीं से स्टार्ट करते हैं Redmi Note 12 सीरीज से। Redmi Note 12 सीरीज में जैसे मैंने आपको इससे पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल स्पेसिफिकेशन बता दी है। बेसिकली चार डिवाइसेस सबसे पहले लॉन्च होने वाले हैं Redmi Note 12 सीरीज के अंदर, Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus और Redmi Note 12 Explorer Edition, या हम कह सकते हैं Discovery Edition। तो चारों ही डिवाइसेस काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपको जो बेसिक डिवाइस रहेगा यानी कि Redmi Note 12, जिसके अंदर आपको चिपसेट Snapdragon 4 Gen 1 का देखने को मिल जाएगा, 48 MP कैमरा मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 35 W का चार्जर मिल जाएगा और इसकी प्राइसिंग दोस्तों 14 से 15 हज़ार के बीच में रहेगी। तो काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन है, प्राइस टैग भी काफ़ी बढ़िया रखा गया है। इसके बाद Note 12 Pro के अंदर MediaTek का लेटेस्ट वाला चिपसेट 1080x1080 वाला चिपसेट आपको मिल जाएगा, 50 MP का OIS कैमरा सोनी का जो MX766 है वो मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 67 W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। वहीं पर अगर Note 12 Pro Plus की बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है दोस्तों, 200 MP कैमरा मिल जाएगा और चिपसेट भी आपको वही मिल जाएगा, 7GB 1080 का, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 120 W का चार्जर इसके साथ में आपको मिल जाएगा। और बात करें अगर एक्सप्लोरर एडिशन की तो दोस्तों इसके अंदर आपको 7GB 1080 मिलने वाला है, 200 MP का कैमरा भी मिलने वाला है और सबसे बढ़िया चीज जो इसमें आपको मिलने वाली है दोस्तों, 4300 mAh की बैटरी मिलने वाली है विद 210 W फास्ट चार्जर के साथ में। ये अपने आप में एक पहला डिवाइस है दोस्तों जिसके अंदर आपको 210 W का चार्जर मिलने वाला है। तो ये Note 12 सीरीज आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो Realme 10 सीरीज भी लॉन्च होती जा रही है, Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus, ये तीनों डिवाइसेज आपको देखने को मिलेगी। इसका मैंने डिटेल स्पेसिफिकेशन की वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, क्योंकि अभी तक इसके स्पेसिफिकेशंस डिटेल में नहीं आए हैं, रूमर चल रहे हैं, तो काफी सारी चीजें लीक हुई है बट सारी चीजें अभी तक पता नहीं चली है। तो जैसे ही पता चलेंगे हम इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे, मैं आपको जो चीजें अभी तक मालूम हुई है हमें और जो चीजें लीक हुई है वो बता देता हूँ आपको। Realme 10 के अंदर आपको MediaTek का लेटेस्ट वाला चिपसेट Helio G99 देखने को मिलेगा और Realme 10 Pro के अंदर आपको Snapdragon 695 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा विद, और इसके अंदर कैमरा जो मिलने वाला है आपको वही मिलने वाला है जो Realme 9 Pro Plus के अंदर जो कैमरा दिया गया था, यानी Sony IMX का 50 MP वाला कैमरा, OIS कैमरा, वही कैमरा आपको इसमें Realme 10 Pro के अंदर मिलने वाला है और साथ ही में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और 67 W का चार्जर भी मिल जाएगा। ये भी काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन साथ में आ रहा है। और अगर हम Pro Plus की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। Realme 10 Pro Plus के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है, सुपर अमोलेड डिस्प्ले विद 3D का फिंगरप्रिंट और चिपसेट इसमें आपको MediaTek 1080 का मिलने वाला है और बाकी दोस्तों वही 5000 mAh की बैटरी विद 67 W चार्जर के साथ में। अलग तक कैमरा इसके अंदर आपको 108 MP का OIS कैमरा मिलेगा। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन Realme 10 Pro की अभी तक, 10 Pro Plus की अभी तक हमें मिली है, लीक हुई है। और प्राइसिंग की अगर बात करूँ दोस्तों तो
10 Pro की प्राइसिंग आपको अंडर 20,000 देखने को मिलेगी या 10 Pro Plus की प्राइसिंग 25,000 के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो काफी बढ़िया प्राइस टैग के साथ में Realme 10 सीरीज लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों Oppo Vivo की तरफ से कुछ खास लॉन्चेस नहीं है हाल में, लेकिन Samsung Galaxy S23 जो जनवरी में लॉन्च होने जा रहा है उसकी कुछ चीजें लीक हुई है। जैसा कि इसके अंदर आपको चिपसेट स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 का चिपसेट मिलने वाला है। S23 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिला है। ये दो चीजें अभी तक लीक हुई है और इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसको काफी टाइम है अभी, जनवरी में आपको ये देखने को मिलेगा। और Xiaomi की तरफ से जो ऑलरेडी ग्लोबली लॉन्च हुआ है 12 सीरीज के अंदर Xiaomi 20, 20 Pro, ये भी आपको इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, और Xiaomi 12 Lite ये भी आपको शायद देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो IQ Neo 7 जो ऑलरेडी ग्लोबली लॉन्च हो चुका है तो इंडिया के अंदर भी लॉन्च होने वाला है। IQ Neo 7 या दूसरे नाम से लॉन्च हो सकता है। स्पेसिफिकेशन वही रहेगी तकरीबन, हमारा डिस्प्ले रहेगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में, जिसके अंदर आपको 7089 का चिपसेट मिलता है और 5000mAh की बैटरी मिल जाती है विद 120W चार्जर के साथ में, और प्राइसिंग भी तकरीबन सेम रहेगी 30,000 के आसपास या 30,000 के अंदर आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो ये भी बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, थोड़े बहुत इसके अंदर आपको चेंजेस शायद देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। इसके अलावा बात करें दोस्तों OnePlus Nord 3 सीरीज भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि OnePlus Nord 3 जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है तो ये रिक्रिएट रहेगा, यानी कि रिब्रांडिंग करने वाले हैं OnePlus 10R की, तो उसमें आपको ज़्यादा सीरीज देखने को मिलेंगे। ये कह सकता हूँ मैं कि 10R के अंदर जो स्पेसिफिकेशन मिलती है आपको वही Nord 3 में देखने को मिल जाएगी, यानी कि चिपसेट डायमेंसिटी 8100 का मिलेगा और 150W का चार्जर, और प्राइसिंग इसकी 30 के अंदर ही रहेगी, 25,000 से 30,000 के बीच में रहेगी। तो ये भी बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो Infinix की तरफ से काफी बढ़िया डिवाइस लॉन्च होने वाला है जो ऑलरेडी अफ्रीका में लॉन्च हुआ है, अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में, इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है Infinix Zero Ultra नाम से, जिसके अंदर आपको कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ में, और 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, और चिपसेट इसके अंदर आपको Dimensity 920 का मिलने वाला है। तो पता नहीं ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से किया गया होगा, Dimensity 920 के साथ में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सुटेबल नहीं है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो Moto की तरफ से Moto X 30 Neo भी लॉन्च होने वाला है जो ग्लोबल लॉन्च हो चुका है, इंडिया के अंदर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर चिपसेट आपको वही मिलेगा जो ग्लोबली मिला है, Snapdragon 695 का 5G चिपसेट मिलने वाला है विद OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। प्राइस इसकी काफी शॉकिंग रहने वाली है दोस्तों, 20,000 से 25,000 के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने कहा Oppo Vivo की तरफ से कोई लॉन्चिंग नहीं है और Micro Max तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, और Nokia की तरफ से भी कुछ लॉन्चिंग के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ये सारे डिवाइस बहुत जल्द इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।